3 जून को जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजों की भीड़ जान लेने पर तुली थी, लेकिन इनमें कई लोग अब बेनकाब हो चुके हैं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कुछ ऐसे पत्थरबाजों की पहचान कर ली है जिन पर हिंसा में शामिल होने की बात कही जा रही है। आप भी देख लीजिए उन 40 उपद्रवियों के चेहरे जिन्हें वीडियो फुटेज से निकाल कर पोस्टर के रूप में पुलिस ने कानपुर की चौकियों और सड़कों पर चस्पा किया है। कानपुर हिंसा के हर सच हर किरदार से पर्दा हटाने में पुलिस दिन रात जुटी है, तो उपद्रवियों की मदद करने वालों पर भी एक्शन हो रहा है। ये उस पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं जिसे प्रशासन ने हिंसा के उपद्रवियों को बोतल में पेट्रोल देने पर सील कर दिया है। इस पंप से सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस पोस्टर में 13, 16, 12 और 31 नंबर पर दिख रहे संदिग्ध पत्थरबाजों को भी पकड़ लिया है। कानपुर हिंसा में अब तक 500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। दावा है कि 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान हो चुकी है। 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिसमें मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी भी शामिल है जो फिलहाल 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। तो वही भड़काऊ पोस्ट के मामले में अब तक 8 आरोपियों पर केस दर्ज किया जा चुका है। पूर्णिया सिटी जानी ना। पूर्णिया सिटी शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।